मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड इतना परेशान कर रखा है, वो इतना सख्त करता है ना मुझ पर, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। देखिए कितना हो गया है, मैं सोती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। टेंशन होकर, हाँ मैं टेंशन इतनी में मोटी थी, रहोगे। मेरे अंदर 70 किलो वजन था, आप देख सकते हो कि कितना वजन रह गया होगा। A few moments later. हेलो, मेरे भी आप कौन? हाथ तो मिला सकते हो यार। नहीं देखिए, आप कौन? बेकार में आपसे हाथ मिलाना है? मैं ना एक्चुअली देखो वहां से देख रहा था आप से, तो ना वो काफी सैड सैड लग रहे थे आप। आपको क्या, मैं सैड हूँ? मेरी परेशानी है ना, जाइए आप प्लीज, जाइए यहाँ से। अरे मैं मतलब वैसे बात करने आ गया आपसे, कुछ मतलब दिक्कत है क्या? अच्छा यार मैं वैसी परेशान हूँ ऑलरेडी, आप जाइए प्लीज यहाँ से। मैम बैठ सकता हूँ यहाँ? नहीं क्यों बैठ सकते हो, मैं बैठी हूँ ना, मैं वैसी परेशान हूँ, आप जा सकते हो, वहां बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठोगे। 2 मिनट तो बात कर लो, क्या हो नहीं गया? अच्छा हैंड तो मिला लो। नहीं मैं आपको नहीं जानती, आप जा सकते हो। मेरा नाम सलमान है और मैं मतलब यहीं पे रहता हूँ पास में, तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने देखा काफी सैड लग रहे हो आप, तो मैं बात करने आ गया। क्या प्लीज आप जाइए, आप जो भी हो, मेरा वैसे ही ऑलरेडी दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा क्या हुआ, जान तो सकता हूँ मैं, बैठ जाऊँ ना? अच्छा ठीक है, खड़े हो जाता हूँ मैं, बैठ जाऊँ क्या? ठीक है बैठ जाइए। हैंड तो चेक कर लो, कुछ नहीं लगा। क्या हुआ, काफी सैड लग रहे हैं, मैं आपको ना वहां से काफी देर से देख रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्या हुआ, क्या ऐसा बताना चाहोगे? यार। एक तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड इतना परेशान कर रखा है, वो इतना सख्त करता है ना मुझ पर, बहुत ज्यादा। अच्छा रात को भी 12-24 घंटे वीडियो कॉल करता रहता है। सोने के लिए जाऊंगी, नहीं ऐसी सो जाओ यार, हद होती है, इतना सब ऐसे कौन सो जाओ, करता। मतलब कोई कॉल चलते रहने दो, वीडियो कॉलिंग, ऐसी सो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है वीडियो चौबीस। कॉल चलते रहने दो, सो जाओ। हाँ यार वो ऐसे इतना सख्त करता है मुझ पर बहुत ज्यादा, ये क्यों करती हो, वहां क्यों जाती हो, वो क्यों बोलती हो, ऐसा थोड़ी होता है। अब मेरा बहुत ज्यादा मन खराब है। मुझे लगा ही था, मैं वहां से देख रहा था ना आप काफी सैड थे, शायद रो भी रहे थे ना उससे पहले, शायद यार देखो बार बार अभी भी फोन करके यही परेशान कर रहा है, अभी भी कॉल आ रही है आपके पास, ये मुझे बहुत कॉल करके इरिटेट करता तो है। मतलब क्या हुआ आप इससे, मतलब बिल्कुल इरिटेट हो गए क्या, रहना नहीं चाहते हाँ इसके मैं इसके साथ? साथ नहीं रहना चाहती, इसने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया है। अच्छा हाँ ऐसे थोड़ी होता है यार, बात बात पे वीडियो कॉल करते करते सो जाओ, 24 घंटे कॉल करना, सही अपनी भी बात पर्सनल है, लाइफ होती है। बहुत ऐसे तो बंदा इरिटेट हो जाएगा ना पूरी ही तरह, ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे सेट बैठे हो। तो हाँ इसलिए मैं बहुत टाइम से सैड बैठी हूँ। यार आप मूव ऑन करो ना, कोई मतलब खत्म करो ऐसे रिलेशन का, फायदा क्या है फिर, हाँ यार मैं भी सोच रही हूँ मूव ऑन करने के लिए। है ना? तो मतलब कोई देखा आपने लड़का लड़का दूसरा कोई? नहीं नहीं अभी नहीं देखा, फिर सोचा है मूव ऑन करने के लिए, मैं देखूंगी। तो मतलब आपने क्या सोचा है फिर अभी? यार सोचा तो है पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे को ब्लैकमेल करता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और फिर मुझे देखा भी नहीं जाता वो ऐसे करता है, तो फिर मुझे ऐसे प्यार आता है, तो मैं मूव ऑन भी नहीं कर सकती ना। तो ऐसे तो देखो कोई फायदा नहीं होगा इसका, तो एंड बहुत गलत हो जाएगा ना फिर, आप भी जानते हो। आप ही बताओ क्या कर सकते हैं यार, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, इतना थोड़ी शक होता है रिलेशनशिप में। देखो थोड़ा बहुत शक होता है हर रिलेशनशिप में, मैं मानता हूँ, क्योंकि जहां पे शक होता है वहीं पे प्यार होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि रात को आपको सोने ही ना दे, वीडियो कॉल करके छोड़ दे, वो यार भी तो रात चीज को सही 3 बजे नहीं कॉल करके बोलता है कहाँ हो, वीडियो कॉल करके दिखा हो। यार मैं कहाँ हूँ कि 3 बजे रात के, 3 बजे ये कौन तीन टाइम बजे होता तो है, सीधी सी बात है बंदा सोएगा ना बंदा फिर तो। सोएगा, कॉल नहीं रिसीव कर, तो कॉल नहीं दे रहे, बंदा ऑलरेडी सो रहा है तो कैसे उठा लेगा। आपके तो डार्क सर्कल भी हो रहा है, आप लग रहा है सोते भी नहीं हो, टेंशन देखिए कितना हो गया है, मैं सोती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। होकर, हाँ मैं टेंशन में इतनी मोटी थी, रहोगे। मेरे अंदर 70 किलो वजन था, आप देख सकते हो कि कितना वजन रह गया होगा। सॉरी मुझे हंसी आ रही है सुन के। अच्छा तो वेट भी कम होने लगा आपका, हाँ वेट भी कम होने लगा है। वैसे आप अच्छे लग रहे हो अभी भी, क्यूट लग रहे हो, तो आप मूव ऑन करो ना, छोड़ो ना, अगर ऐसा बंदा जब इतना इरिटेट कर रहा है तो आपको। यार क्या बताऊं तुम्हें, इतना इरिटेट करता ना, फिर भाई अगर छोड़ने के लिए बोल दो तो रोता है, बोलता है नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो फिर ख्याल भी आता है ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। आप सोचो, मतलब चाहते क्या हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब रहना चाहते हो या ये मतलब, चीज तो मैं खुद भी नहीं जानती, मैं उसके साथ में रहना चाहती हूँ या फिर मूव ऑन करना चाहती हूँ, अच्छा क्योंकि ऐसा थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता उसे छोड़ना। प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है, बट एक्चुअली मैं करूँ क्या यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
देखो एक राय दूं आपको यार, हाँ यार लड़कों की देखो कमी तो है नहीं, लड़कियों की भी नहीं है ना, लड़कों की कमी है। लेकिन अगर ऐसे रिलेशनशिप अगर खराब हो रहा है ना आपका, तो इससे बढ़िया ना एक बार बात करके ना खत्म कर दो। बार बार कॉल करना ही डेट करना। देखो अभी भी तुम्हारे सामने कितनी बार कॉल आ चुका है उसका, देख सकते हो। पर क्या करें यार, भी वाइब्रेट हो रहा था फोन। हाँ ये वाइब्रेट होता रहता है रात को दिन में, वाइब्रेट होता रहता है, हद होती है। कैसे होगा कोई सलूशन मैं क्या कह रहा था, मेरी भी ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है वैसे फ्रेंड बताइए। के साथ ना, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ही हो रहा था, मतलब डे नाइट ना लड़ाई झगड़े हो रहे थे मेरे बीच बहुत ज्यादा ना, मैं भी परेशान हो चुका था। तो पता है मेरा ना काम में भी दिक्कत आ रही सारी चीज में, क्योंकि देखो टेंशन में माइंड होगा बंदा काम नहीं कर पाएगा सी। हाँ ये तो होता ही है यार। तो मैंने क्या करा देखो, खत्म कर दिया मैंने कहा ऐसे रिलेशन में कोई फायदा नहीं है। तुमने मूव ऑन कर लिया? हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया। तो मैं सोच रहा था ना कि आप भी सिंगल हो अब, अगर मैं भी सिंगल हूं तो अगर देख लो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कुछ हो सकता हो तो सोचूंगी इस बारे में फिलहाल, लेकिन अभी मैं मूव ऑन कैसे कर सकती हूँ? देख लो, सोच लेना आराम से सोच लो, नंबर देखते हैं, वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं हम, बड़े हरामी हो बेटा। बात कर लेंगे फिर, सोच लेना आराम से है कोई नहीं। ना। हाँ थोड़ा ये, बैठेंगे एक दूसरे को समझेंगे थोड़ा। हाँ ये तो होता है, जब जानते तभी तो होता है। प्यारी समझ गई। कोई नहीं देखते। इंस्टा या नंबर देना पसंद करोगे? इंस्टा हाँ इंस्टा आईडी जरूर दे आईडी देते। दे, चलो ठीक है। वाओ यार आपके तो अच्छे फॉलोअर है, मेरे से भी ज्यादा अच्छे हैं आपके तो, इतनी नहीं मस्त मेरी आईडी जस्ट है। ऐसी ही आईडी है बस। नहीं काफी अच्छी है। तो स्टोर वीडियोस वगैरह क्यों डालते हो? एक लास्ट वीडियो आपने कम से कम 1 महीना हो गया डाले हुए। वो मुझे टेंशन देता है ना यार, मैं नहीं कर पाती भी फोकस वीडियो पे भी, क्या कर सकते हैं। अच्छा वैसे अच्छी है आपकी इंस्टा आईडी, मिलते रहेंगे हम है ना, पहले अच्छे फ्रेंड बनेंगे फिर देखते हैं आगे कुछ होता है तो, तब तक आप बात करो उससे, अगर अच्छा हो जाता है देखो, अगर आपका रिलेशनशिप सही चलता है तो बाकी बाद में देखते हैं है ना। हाँ वो अच्छा तो एक है। चीज़ क्या और बताएंगे, बुरा मत मानना प्लीज़ मैं ना, देखो एक्चुअली वहां से आपको देख तो रहा था, लेकिन मैं ना एक्चुअली वीडियो वगैरह तो बनाता हूँ, तो अच्छा मैं ना प्रैंक शूट कर रहा था तो वो कैमरा लगा है सामने, तो मैं ना अभी प्रैंक शूट कर रहा था तो उसके लिए सॉरी। आप मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाने के लिए आए हो यहाँ? दूसरी की फीलिंग्स का वैसे भी नहीं ओनली मैं पर्सन फीलिंग का होती देखो मजाक नहीं बना रहा, है यार। आप फीलिंग्स का मजाक बनाने के लिए आए हो फिर दूसरे की? नहीं मुझे पता नहीं था देखो आप इतना सैड हो, आपको यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना दूसरे के साथ में। देखो उसके लिए सॉरी, मुझे ही बड़ा बुरा लग रहा है वैसे, लेकिन मैं तो सीधा देखो प्रैंक करने आया था, मुझे नहीं पता आप इतना सैड बैठे हो, उसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो हमने शूट की है, इसको प्लीज अगर आप कहो तो, आप कहो तो गुस्सा नहीं प्लीज, आप कहो तो इसको डाल सकते हो चलिए कोई नहीं, बना लिए तो डाल सकते हैं। ठीक है, हेलो तो एक बार हाय कर दो हमें। तो गाइस मैम बहुत ज्यादा परेशान है बॉयफ्रेंड से अपने, ठीक है कोई कमेंट करना कि मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना कि करना क्या चाहिए इनको, ठीक है। और अब ये मेरे काफी अच्छे फ्रेंड बन गए, इंस्टा आईडी आ गई है, तो हम इनसे मिलते रहेंगे ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय। बाय।